हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू फोर्जा होराइजन 5 गाइस। आज हम करने वाले हैं 3 मस्त कार्स की ड्राइविंग। यस गाइस, बहुत तगड़े कॉम्पिटिशन आज करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती, जिसमें हम करेंगे पहले 2 अलग अलग टाइप की वोल्क्सवैगन की राइड, और उसके बाद लास्ट में अपनी सबकी फास्टेस्ट कोइंसेक जेस्को का एक छोटा सा चैलेंज करने वाले गाइस। सो लेट्स सी, यहां पर हम पहुंच गए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइस। ये एक बहुत ही पुरानी सी कार है वोल्क्सवैगन की, और इसको ये बता रहे हैं कि वोल्क्सवैगन की फर्स्ट जनरेशन कार है। इसको हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद एक 7th जनरेशन की कोई वोल्क्सवैगन है उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद अपना जेस्को वाला चैलेंज करेंगे कंप्लीट गाइस। तो देखते हैं ये कार कैसी चलती है। बिल्कुल पुराने टाइप की है। ओह माय गॉड, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लेट्स सी कितना है दम इस कार में अपनी। सही है, वैसे तो उस हिसाब से ठीक लग रही है, आवाज भी इसकी ठीक है। मुझे लग रहा है गाइस, जितना पुराना इसे बता रहे हैं ना, उससे तो उस हिसाब से काफी सही चल रही है वैसे ये कार। अभी सिटी से बाहर निकले तो थोड़ा देखते हैं क्या स्पीड इसकी हो पाती है। नॉट बैड, काफी सही चल रही है कार। मुझे तो लग रहा है गाइस, जितनी पुरानी ये कार है ना, कम से कम ये 40-50 साल पुरानी कार है, और उसके हिसाब से सही स्पीड लग रही है इसकी। और स्पीड तो चलो जो भी है, मतलब उसका पिकअप भी काफी सही है उस हिसाब से। गाइस, हमने पुरानी कार चलाई है, इतने पिकअप नहीं होता उनका। Design and prototype the Golf in secret as a Skunk Works project. Oh, नहीं भाई, चेकपॉइंट मिस होने वाला था, फिर दोबारा करनी पड़ती। सही है गाइस, सही है, हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है। लेकिन वैसे कार चलाने का एक्सपीरियंस ना थोड़ा ठीक ही रहा, क्योंकि इतनी पुरानी कार होने के बाद भी इसका पिकअप मुझे काफी बेटर लगा। टॉप स्पीड तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिकअप काफी सही लगा गाइस। इसी के साथ हमारा चैलेंज कंप्लीट हो गया ये वाला, और हम ड्राइव करेंगे ये वाली वोल्क्सवैगन जो की है 7 सीरीज की, मतलब उस वाली से 40 साल बाद की वोल्क्सवैगन। लेट्स सी गाइस क्या डिफरेंस है। This version is the Volkswagen Golf car, our winning race. Handling तो सही लग रही है इसकी। This was the fastest Golf in the race. Speed तो मुझे लग रहा है इसमें उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क तो है anyways। अरे यार, क्या? सामने से कार आ गई थी। ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है गाइस मुझे वो, इसलिए तो मैं कह रहा था जो पहली वाली जनरेशन की कार थी ना, 40-50 साल डिफरेंस, मतलब आज से पुरानी थी, तो उस हिसाब से काफी सही एक्सेलरेशन था उसका। उस हिसाब से मुझे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है इन दोनों में, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है पिकअप का और टॉप स्पीड का, और बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। 7 जनरेशंस ऑफ द गोल्फ टोटलिंग मोर देन 2 मिलियन यूनिट्स ओवर 44 इयर्स। इन फैक्ट अ लॉट ऑफ गोल्फ्स यू फाइंड। वैसे वोल्क्सवैगन बहुत बड़ी कंपनी है गाइस, बहुत बड़ी कंपनी है। ये इंजन दूसरी कंपनीज की कार्स के लिए भी सप्लाई करती है, अगर आपको नहीं पता हो तो। बच गए। दूसरी बड़ी बड़ी काफी कंपनीज हैं और उनको ये अपने इंजन प्रोवाइड करती है बना बना के, तो छोटी मोटी इसको नहीं समझना। और भाई ये क्या बैलेंस बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है। चलो गाइस, हम चैलेंज कंप्लीट करने पे पहुंच गए हैं। ये आ गई है हमारी डेस्टिनेशन, और हमने कर लिए दोनों का टेस्ट। 40 साल के डिफरेंस वाली अलग अलग दो कार्स को टेस्ट किया हमने। हालांकि मुझे दूसरी कार में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला जितनी ज्यादा ये नई कार है। 1 स्टार मिला केवल, चलो ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट वाली कार काफी ज्यादा सही थी गाइस। और हम चलते हैं अपने फेवरेट चैलेंज के लिए, वो है कॉइंसेक जेस्को। यस गाइस, कॉइंसेक जेस्को खतरनाक चैलेंज।
स्टार्ट कर लिया है हमने। यहाँ पर मैं पहुँच गया था रूट पर, आई मीन डेस्टिनेशन पर, यहीं से वो चैलेंज स्टार्ट होगा। गाइज मैं आपको बता दूँ, बहुत ही छोटा चैलेंज है, एक तरह से ड्रैग रेस मान लो, लेकिन इसमें हम अकेले होने वाले हैं और एक सेट टाइम में सेट रूट पे पहुँचना। देखो सामने डेस्टिनेशन है, फटाफट चलते हैं गाइज। बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है रोड, तो मुझे लग रहा है शायद ज्यादा मुश्किल ना हो ये चैलेंज। क्या सही स्पीड में पकड़ रही है अपनी जेस को। बाय गॉड गाइस, 400 क्रॉस हो चुका है, 440 हो गया। रोड थोड़ी सी स्लाइड यहाँ पर, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रोड स्ट्रेट नहीं है, निकल जाएंगे क्या हम लोग गाइस? एक्चुअली नहीं हो पाया क्योंकि शार्प मतलब वहां पे टर्न्स थे ना, मैं थोड़ी धीरे तो करनी थी लेकिन शायद थोड़ी ज्यादा धीरे हो गई। बिल्कुल जितना हो सके उतनी फास्ट स्पीड में चला के हम पहुंच पाएंगे वहां तक। इस बार देखते हैं गाइस, फिर से वो खतरनाक स्पीड हमारी वॉक हुई है और सामने ही हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। बीच में थोड़े से माउंटेन है, यहाँ पे थोड़ी सी, ओ नो नो नो, ओ भाई लास्ट में एक बार तो मुझे लगा कि ऊपर से फ्लाई करते हुए पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं गाइस, फिर से ट्राई करना होगा। ओके गाइस, ध्यान से करना है इस बार, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं हो पाता। चैलेंज बिल्कुल छोटा सा है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहां पे हमें ज्यादा धीरे भी नहीं करनी है, लेकिन अगर स्लो नहीं करेंगे तो हम टर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए करना बहुत जरूरी है। लेट्स सी क्या होता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नहीं 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 नहीं, ओ शिट यार, चिट चिट, फिर से। गाइस देखने में बहुत आसान है लेकिन इतना इजी चैलेंज नहीं है। स्ट्रेट बीच में जो थोड़ा सा ट्विस्ट है ना रोड में, वो ही काफी है और चैलेंज का टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट उतना है, मुझे लग रहा है उसमें पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। चलो देखते हैं लेट्स सी गाइस टाइम क्या होता है। थोड़ा तो स्लो करना पड़ेगा, नहीं ओबे यार, थोड़े से उससे बैलेंस बिगड़ जाता है। चलो गाइस इस बार और ट्राई करते हैं, इस बार मैं बिल्कुल बहुत ही स्लाइटली स्लो करूंगा वहां टर्न पे और बिल्कुल थोड़ा सा ही स्लो करूंगा और ट्राई करता हूं कि बैलेंस ना बिगड़े और कंप्लीट हो जाए गाइस। ओके आराम से आराम से आराम से, गो 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 गो, नहीं नहीं नहीं, चल 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 चल, ओ फाइनली गाइस, चैलेंज कंप्लीट। ओ माय गॉड गाइस, बहुत मुश्किल चैलेंज था, बहुत मुश्किल चैलेंज, मुझे लगा बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए थी इसको कंप्लीट करने के लिए। और फाइनल गाइस आज का हमारा हो गया है वीडियो कंप्लीट, और कैसा लगा आपको मेरा कॉइन सेक जेस्को वाला चैलेंज? मुझे बहुत ही गदर लगा गाइस, और आपको भी शायद अच्छा ही लगा होगा गाइस। कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताओ मुझे कमेंट्स में, और आता हूं फिर से आपके पास नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टिल देन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय, टेक केयर।